जो आज की वीडियो का टॉपिक है दैट इज बाइट मार्क एनालिसिस, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट फॉरेंसिक रेडियोलॉजी पढ़ी है, फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी का बेसिकली पार्ट टू है ये बाइट मार्क एनालिसिस। ठीक है, अब पहली चीज़ कि बाइट मार्क होता क्या है। बाइट मार्क की जो डेफिनेशन है वो दो डेफिनेशन है बेसिकली, एक है मैकडोनल्ड्स डेफिनेशन और दूसरी है ABFO डेफिनेशन। ठीक है, मैकडॉनल्ड्स डेफिनेशन क्या कहता है कि मार्क्स लेफ्ट बाय टीथ और अदर माउथ पार्ट्स इज नोन एज अ बाइट मार्क। और ABFO क्या कहता है, बेसिकली वही सेम चीज़ है, पैटर्न लेफ्ट बाय टीथ बाय टीथ, टीथ भी नहीं उसमें, उसमें डेंटल समथिंग आता है लाइक डेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द माउथ। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन है, बस इधर उधर चेंज किया हुआ है। ठीक है, अब बात यह है कि क्लासिफाई हम कैसे करते हैं बाइट मार्क्स को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बाइट मार्क्स में जो है हमारे पास उसमें हम लोग तीन बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं और तीन क्लासिफिकेशन हैं। सबसे पहले है मैकडॉनल्ड्स क्लासिफिकेशन, दूसरी है कैमरन एंड सिम्स एंड तीसरी है वेबस्टर्स फूड स्टफ थ्योरी। हो सके, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स क्लासिफिकेशन क्या कहती है कि बाइट मार्क ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉज तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, कि मैकडॉनल्ड्स की डेफिनेशन भी यही थी ना, मार्क्स लेफ्ट बाय टीथ और अदर माउथ पार्ट्स। ठीक है, तो एक तो हो गए टीथ का प्रेशर मार्क्स, दूसरे हो गए टंग के मार्क्स, टंग प्रेशर मार्क्स। ठीक है, देन फाइनली इट विल बी टीथ के स्क्रेपिंग के मार्क्स। तो ये तीन तरीके के बाइट मार्क्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज। कैमरन एंड सिम्स कहता है कि जो बाइट मार्क है वो हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैक्टर्स उसको डिवाइड करते हैं। एक है उसका कॉजेटिव फैक्टर के बेसिस पर जिसमें इट कैन बी ह्यूमन और एनिमल, और दूसरा इज द ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एग्जिबिटिंग द बाइट मार्क। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एग्जिबिटिंग मार्क मतलब जिस पे बाइट मार्क लगा हुआ है, तो वो टिश्यू विल्फर अब हार्ड है, सॉफ्ट है, रिजिड है, जो भी है, तो उसके जो फैक्टर्स हैं वो उसका अफेक्ट करते हैं, तो वो हर किस्म का बाइट मार्क अलग होता है। वेबस्टर्स फूड स्टफ थ्योरी जो है वो यूजुअली फूड के लिए यूज़ होता है, वो बेसिकली बाइट मार्क की पेनिट्रेशन के लिए है। तो तीन तरीके की पेनिट्रेशन होते हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। वन नॉट सो मच पेनिट्रेशन है इसमें, तो लिटिल पेनिट्रेशन। ठीक है, टाइप टू में कंसिडरेबल पेनिट्रेशन, टाइप थ्री में कंप्लीट पेनिट्रेशन। सही, तो ये इनकी क्लासिफिकेशन आ गई। अब उस ने इसको बेसिक चीज़ है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर मैं, तो शुरू से टीथ मेशर मार्क विल्फर्स होंगे, तो अगर ये टिश्यू है एंड देन ये जब दांत दस जाएगा तो इधर जो मार्क बनेगा ये टीथ प्रेशर मार्क होगा, लेकिन अगर यही टीथ मूव करे तो एक मार्क ऐसे भी बनेगा, तो ये टीथ का स्क्रेपिंग वाला मार्क हुआ ये वाला। ठीक है, एंड देन फाइनली जो टंग का मार्क होगा, वो टंग का मार्क जब टंग डिजिट सरफेस से टकराती है तो फिर उसका सक्शन मार्क बेसिकली उधर बनता है। ठीक है,
फिर हम आ जाते हैं कैमरन सिम्स पे, तो उसका कॉजिटिव ह्यूमन और एनिमल का अलग अलग बाइट मार्क्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रक्चर एग्जिबिटिंग, तो टिश्यूज़ की रिजिडिटी उसके फैक्टर्स के हिसाब से वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। फाइनली वेबस्टर्स फूस्टफ पेनिट्रेशन के बेसिस पर हमने उनको तीन में डिवाइड कर लिया, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, कंसिडरेबल पेनिट्रेशन एंड कम्प्लीट पेनिट्रेशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरी चीज़ पे कि बाइट मार्क एनालिसिस हम कैसे करते हैं। हम बाइट मार्क एनालिसिस बिलफर्ज एक केस मिला हमें, जिसमें बंदे के हाथ पे बाइट के कोई वो असॉल्ट का केस है या ऐसे कोई केस है जिसमें हमें बाइट मार्क की एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो उस केस में एक विक्टम होगा जो केस लेकर आया, एक होगा सस्पेक्ट जिस पे इल्ज़ाम लगाए केस ने असॉल्ट किया या फिर शक के केस ने असॉल्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे इसके स्टेप्स लिख लेंगे, तो इसके चार स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन, बाइट मार्क की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। स्टेप नंबर टू, विक्टिम की डिस्क्रिप्शन या फिर एग्जामिनेशन। स्टेप नंबर थ्री, सस्पेक्ट की एग्जामिनेशन। एंड स्टेप नंबर फोर, कंपैरिजन, ठीक है। सबसे पहला क्या था, बाइट मार्क की डिस्क्रिप्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बाइट मार्क का साइज, शेप, उसका कलर और उसके साथ जो एसोसिएटेड इंजरीज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन कर देते हैं, लिख लेते हैं और उसकी फ़ोटोग्राफ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बाइक मार्क की डिस्क्रिप्शन में ये आ जाएगा। दूसरा है विक्टिम की एग्जामिनेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि विक्टिम की एग्जामिनेशन में हम लोग एक तो उसका वो करते हैं थोड़ा ऐसे ही जनरल एग्जामिनेशन होगी उसकी, उसके अलावा फिर हम क्या करेंगे कि उसकी फोटोग्राफी भी करेंगे। अगेन फोटोग्राफी दो तरीके की होगी, एक होगी ओरिएंटेशन जो जूम आउट में होगी, ठीक है। बिलफर्ज जो बंदा है उसके यहाँ पे बाइट मार्क है, तो ये पूरी ऐसे करके होगी, फिर बता रहे होंगे कि यहाँ पर है बाइट मार्क। फिर एक होगी क्लोजअप जिसमें इस हाथ पर फोकस होगा बाइट मार्क पर, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरी चीज़ जो आ जाती है, अच्छा इसमें एक और भी चीज़ हम करते हैं, सलाइवा स्वाब, क्योंकि बाइट मार्क है तो उस बाइट मार्क पर सलाइवा वगैरह हो सकता है, तो डीएनए एनालिसिस के लिए ये काम में आता है, ठीक है। अब हम जो करेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ सस्पेक्ट एग्जामिनेशन। सस्पेक्ट एग्जामिनेशन में हम लोग सबसे पहले इसका पास डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो निकालेंगे, क्योंकि बिलफर्ज इस वक्त इसने लाइक क्राइम इस वक्त किया होगा, लेकिन और एग्जामिनेशन इन दोनों के बीच में इसकी कोई डेंटल ट्रीटमेंट हुई हो, तो फिर मसला ये होगा कि उसके जो बाइट मार्क होंगे वो अलग हो जाएंगे फ्रॉम दैट पास्ट सेल्फ, तो फिर उसको हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है कि इन दौरान इसने कोई डेंटल ट्रीटमेंट वगैरह तो नहीं करवाई, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि सस्पेक्ट की भी फोटोग्राफी होगी, ठीक है। उसके अलावा सस्पेक्ट के डेंटल मैट्रिक्स लिए जाएंगे, बेसिकली जो क्या बोलते हैं बाइट के एनालिसिस वगैरह के लिए, ताकि मैच करेंगे ना विक्टिम और सस्पेक्ट, विक्टिम पे जो बाइट मार्क का है निशान और सस्पेक्ट का जो वो है उसकी खुद की बाइट है, तो हमें वो देखना है, उसका डेंटल मैट्रिक्स वगैरह देखना है। फिर हम उसकी टीएमजे एनालिसिस, ठीक है, और जॉ की रिमेनिंग एनालिसिस, फिजिकल एनालिसिस ये भी करेंगे। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बाइट मार्क के बाद यूजुअली टीएमजे का मसला होता है या जॉ की फिजिकल एनाटॉमी में थोड़ा सा मसला आ जाता है, तो हम उसे वो कैच कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा हम सलाइवा स्वाबिंग इसमें भी करेंगे ताकि वो डीएनए मैच कर सकें वाइट मार्क का। तो फिर ये होगी सस्पेक्ट की एग्जामिनेशन। फिर हम आते हैं फाइनल चीज़, दैट इज़ कंपैरिजन। कंपैरिजन में सबसे पहले जो हम करेंगे दैट इज़ एनिमल वर्सेस ह्यूमन,
ये एनिमल बाइट मार्क है या फिर ह्यूमन बाइट मार्क है। ठीक है, फिर हम करेंगे कि अगर ये ह्यूमन बाइट मार्क है तो उस जब उस बंदे का हम लोग कर रहे हैं वर्सेस, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम उसको मेट्रिक्स पे के बेसिस पे करेंगे, उसकी साइज़ वगैरह शेप वगैरह के बेस पे, कि उस बंदे की जो बाइट बनेगी और ये जो बाइट मार्क है दोनों सिमिलर मेट्रिक्स पर हैं, दोनों की साइज़ वगैरह सेम है। फिर हम करेंगे पैटर्न एसोसिएशन, कि क्या सेम पैटर्न है उसका। ठीक है, फिर हम करेंगे फोरेंसिक ओडोंटोमेट्रिक मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ट्रेसिंग, बेसिकली हम टीथ की ट्रेसिंग करते हैं फॉर बाइट मार्क्स। ठीक है, अब ये हमने मैच किया, कंपैरिजन किया। अब हमारे पास कंक्लूजन में तीन चीज़ें आ सकती हैं। एक होगा पॉजिटिव कंक्लूजन, जिसमें हमें पक्का है कि इस बंदे ही नहीं किया है। दूसरा होगा प्रॉबेबल, इसमें हमें पक्का नहीं है लेकिन हो सकता है। एक और होगा नेगेटिव, जिसमें हमें पक्का है कि इस बंदे ने नहीं किया ये। ठीक है, तो ये आ गया कंक्लूजन ऑफ डी, वो सारा बाइट मार्क एनालिसिस। जब हमने कैसे की, हमने स्टार्ट किया बाइट मार्क की डिस्क्रिप्शन से, बाइट मार्क की डिस्क्रिप्शन, साइज, उसका शेप, कलर, एसोसिएटेड इंजरीज, ये सब देख लिया। फिर हमने विक्टिम की एग्जामिनेशन की, उसमें विजुअल एग्जामिनेशन की उसकी, ठीक है, फोटोग्राफी की, ओरिएंटेशन, क्लोजअप दोनों, सलाइवा स्वाबिंग की, बाइट मार्क की ताकि डीएनए का पता चले। फिर सस्पेक्ट एग्जामिनेशन, हमने पास्ट डेंटल ट्रीटमेंट देखी, फोटोग्राफी इधर भी की, डेंटल मार्क्स हमने किए, टीएमजे, जॉ की फिजिकल एनालिसिस वगैरह की, इधर भी सलाइवा स्वाबिंग की फॉर डीएनए। फिर कंपेरिजन में हमने उस दोनों को कंपेयर किया, पहला स्टेप एनिमल वर्सेज ह्यूमन, एंड देन सेकेंड स्टेप में हम लोग ने उस बंदे से मैच करवाने की कोशिश की कि उसका बाइट मार्क है या नहीं है। एंड में तीन कंक्लूजन, पॉजिटिव, प्रॉबेबल और नेगेटिव। ऑलराइट, तो अब हम जो फाइनल चीज़ डिस्कस करना है, दैट इज़ दी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ बाइट मार्क एनालिसिस। उसमें हम लोग तीन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइट मार्क्स, एनिमल और ह्यूमन बाइट मार्क्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, एंड देन कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बाइट मार्क्स कौन से होते हैं, देन वी विल रैप अप द वीडियो। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइट मार्क्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक है टिश्यू का टाइप, अगर टिश्यू लूज है तो बाइट मार्क की डेफिनेशन नहीं, अच्छी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर टिश्यू रिजिड है, हार्ड है, तो फिर उसकी डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी होगी। दूसरी चीज़ एज, एज में ये होता है कि जितनी ज़्यादा एज होगी तो उतनी ज़्यादा ब्रूजिंग होगी। ठीक है, ओल्डर एजेस में ज़्यादा ब्रूजिंग होती है। ठीक है, जेंडर, जेंडर में फीमेल ज़्यादा इजीली ब्रूज करेंगी। ठीक है, उसके अलावा आते हैं फाइनली टाइम। टाइम का सीन ये है कि देर द टाइम लाइन उसका, ये है टाइम लाइन बाइट मार्क की, कि वो कैसे कैसे, पहले 0 to 18 आवर्स में उसका स्कैब बनेगा, फिर एपिडर्मल ग्रेनुलेशन होगी, फिर सब एपिडर्मल ग्रेनुलेशन होगी, एंड देन रिग्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइट मार्क। नेक्स्ट जो चीज़ है, दैट इज़ योर एनिमल और ह्यूमन बाइट मार्क कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, एनिमल का जो बाइट मार्क होगा वो वी शेप्ड होगा, दैट मीन्स वो नैरो होगा और उसकी आर्च जो है वो नैरो होगी और इलॉन्गेटेड होगी। ठीक है, ह्यूमन का होगा यू शेप्ड, मतलब कि वो वाइडर होगा और उसकी जो आर्च होगी वो सर्कुलर शेप होगी, सर्कुलर ओवल लाइक शेप होगी। ठीक है, उसके अलावा एनिमल वाला जो है, ये इसकी जो साइट होगी ये एक्सट्रीमिटीज़ पर होंगे, मतलब कि लेग्स, ऐसे लेग, हाथ वगैरह। ह्यूमन के यूजुअली बैक ऑफ हैंड पर मिलता है, लेकिन क्या कहते हैं, टॉर्सो वगैरह पर भी मिल सकता है। ठीक है, बैक पर भी मिल सकता है, सही है। तो ये एंड फाइनली जो एनिमल के होंगे, उधर जो इंजरी होगी वो ज़्यादा सिवियर होगी। ठीक है, जैसे अपना लेसरेशंस वगैरह,
लेकिन जो ह्यूमन का है उसमें जो इंजरी होगी वो कम सिवियर होगी, जैसे एब्रेजन, ब्रूजेस एक्सेट्रा, ठीक है। एंड देन फाइनली अब जो है हमारे एग्जांपल्स हैं, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बाइट मार्क्स जो लीगली हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला है चाइल्ड अब्यूज में, ठीक है। सेकंड इज योर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, ठीक है। एंड देन फाइनली देयर इज योर थर्ड सेक्सुअल सेक्सुअल असॉल्ट के, ठीक। तो ये तीन होंगे हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ द बाइट मार्क्स वगैरह, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो।